हेलो गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द जॉब अपडेट में। वैकेंसी आई है नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी में, तो आप देखिए किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी है, देखते हैं वैकेंसी। देखिए फर्स्ट आपकी जो वैकेंसी है जूनियर इंजीनियर सिविल, इसमें आपकी जनरल की 11 वैकेंसी है, OBC की 1 वैकेंसी है, SC की 3 वैकेंसी है और EWS की 1 वैकेंसी है। टोटल आपकी 16 वैकेंसी है। और अगर एज की बात की जाए तो 18 से 27 साल मिनिमम एज आपके 18 होनी चाहिए, मैक्सिमम 27 साल। एंड अगली पोस्ट है आपकी हिंदी ट्रांसलेटर की। हिंदी ट्रांसलेटर में आपकी जनरल की 1 वैकेंसी दी गई है एंड जो आपकी एज है वो 21 से 30 साल एज होनी चाहिए। अगली आपकी पोस्ट है जूनियर अकाउंटेंट ऑफिसर, जिसमें आपकी जनरल की 4 वैकेंसी हैं एंड जो आपकी OBC की है वो आपकी 1 वैकेंसी है, टोटल 5 वैकेंसी है और एज आपकी 21 से 30 साल। अगली आपकी वैकेंसी है अपर डिवीजन क्लर्क की, जिसमें आपकी जनरल की 7 वैकेंसी हैं, OBC की 3 वैकेंसी हैं और SC की 1 वैकेंसी है, टोटल आपकी 12 वैकेंसी है। इसमें एक EWS की वैकेंसी भी है, टोटल एज आपकी है 18-27 साल। एंड आपकी फिर है स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकेंड, जिसमें आपकी जनरल की 3 है एंड EWS 1 एंड ST की 1 वैकेंसी है, टोटल आपकी 5 वैकेंसी है और एज आपकी 18-27। अगली पोस्ट है आपकी लोअर डिवीजन क्लर्क, जिसमें आपकी जनरल की 8 है, OBC 4 है, ST कैटेगरी 6 वैकेंसी है एंड ST 3 एंड EWS की 2 वैकेंसी है, टोटल आपकी 23 वैकेंसी है और 18 से 27 साल आपकी एज होनी चाहिए। एजुकेशन क्राइटेरिया देख लीजिए, जूनियर इंजीनियर सिविल पोस्ट के लिए आपके पास डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए 3 ईयर एंड या आपके पास डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग हो तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका हिंदी ट्रांसलेटर की देखिए, हिंदी ट्रांसलेटर में आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए विथ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी सब या इंग्लिश सब्जेक्ट में, आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए एंड मास्टर डिग्री इंग्लिश विथ हिंदी कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट एज अ मीडियम। अगली पोस्ट के लिए देखिए आप जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर, डिग्री इन कॉमर्स आपके पास होनी चाहिए एंड 3 ईयर एक्सपीरियंस इन कैश एंड अकाउंट्स इन अ गवर्नमेंट ऑफिस PSU ऑटोनोमस बॉडी स्टैचू बॉडी, ठीक है, तो आपके पास ये होनी चाहिए एंड कैंडिडेट हैविंग CA, अगर आपके पास CA है एंड ICWA कंपनी सेक्रेटरी विल बी प्रिफर्ड, आपको ये अगर है तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। अपर डिवीजन क्लर्क के लिए देख लीजिए, क्वालिफिकेशन है डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम MS वर्ड ऑफिस एक्सेल, आपको पावर पॉइंट इंटरनेट सब आना चाहिए। एंड स्टेनोग्राफर के लिए आपके 12th पास होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन यूनिवर्सिटी एंड शॉर्ट हैंड आपकी टाइपिंग होनी चाहिए, कंप्यूटर स्पीड होनी 80 वर्ड पर मिनट टाइपिंग होनी चाहिए आपकी। एंड लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए देख लीजिए इंटर पास मांगा गया है एंड टाइपिंग टेस्ट 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश एंड 30 वर्ड पर मिनट हिंदी होना चाहिए एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए, आपके पास कंप्यूटर आना चाहिए। इसकी डेट देख लीजिए आप कि कब से फॉर्म फिलअप होने हैं, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपके 10 मई 2021 से स्टार्ट हो चुके हैं एंड लास्ट डेट आपकी 25 जून है एंड जो आपका एग्ज़ाम है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, जो आपको विल बी नोटिफाइड लेटर ऑन वेबसाइट, बाद में आपको वेबसाइट पे बता दिया जाएगा। एंड अगर एप्लीकेशन फ़ीस की बात की जाए तो ये 840 रुपये फॉर जनरल एंड OBC कैटेगरी एंड 500 फॉर SC एंड ST एंड वुमेन EWS एंड PWD कैटेगरी के लिए आपकी है। एज रिलैक्सेशन भी दिया है ST OBC एंड फिजिकल इंडिकेटिव, जिसका जो भी क्राइटेरिया हो उसके हिसाब से दिया गया है। सिलेक्शन क्राइटेरिया दिया गया है जो आपका जूनियर इंजीनियर हिंदी ट्रांसलेटर और जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर UDC सिलेक्शन विल बी मेड थ्रू कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, इन पोस्टों के लिए आपका सीधा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। एंड स्टेनोग्राफर LDC के लिए आपका
कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम के साथ साथ स्किल टेस्ट होगा शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग का, एंड क्वालिफाइड कैंडिडेट इन ऑनलाइन एग्जामिनेशन टेस्ट और मेरिट बेस्ड विल बी कॉल्ड शॉर्ट हैंड टाइपिंग टेस्ट। आप अप्लाई कर सकते हैं नोटिफिकेशन को देख के पूरा अपने साइट पे जाकर। एंड अगर कोई भी क्वेरी है या कोई दिक्कत आ रही है फॉर्म फिलअप करने में तो आप फॉर्म तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। एंड अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो हमारे ये टेलीग्राम चैनल द जॉब अपडेट पे आपको ये मिल जाएगा। सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।